मोदी जी बोले थे कि मैं चाइना का अर्थव्यवस्था बिगाड़ दूंगा, उसका जो है माल हमारे यहाँ नहीं आएगा। आज 100% चाइना का माल जो है हमारे हिंदुस्तान में बिकने लगा जो है, और एकदम अर्थव्यवस्था मोदी चाइना का नहीं बिगाड़े, हिंदुस्तान का बिगाड़ दिया जो है, अर्थव्यवस्था का ही बिगाड़। अभी मैंने 6-4 महीना पहले 27 रुपया किलो गेहूं खरीदता था, अभी 37 किलो है। चावल 44 रुपये में आता था, अभी वो 56 रुपया किलो है। तेल आता था 100-110 में, अभी 200 रुपया किलो है। तो इसी तरह हर चीज महंगा है। हमारी कमाई 20,000 थी, आज खर्चा 32,000 रुपया है, तो बाकी 12,000 कहाँ से आएगा। कांग्रेस के टाइम में मैं नौकरी पे था, आज महिंद्रा एंड महिंद्रा में नौकरी में था, और बीजेपी आने के बाद वो आज घर पे बैठा हूँ। मोदी जी ने क्या वादा किया था, युवाओं से 2 करोड़ रोजगार देंगे, कहाँ है मुझे बताइए रोजगार। आप किसानों को वादा किया था MSP माफ करेंगे, कहाँ है मुझे बताइए। 2017 में डिमोनेटाइजेशन लागू कर दिया, लोगों को लाइन में लगा के आप निकल गए। अब इलेक्ट्रल बॉन्ड्स आने के बाद उनका पूरा साफ हो गया है, कैसे ED CBI लगा के कंपनियों के पीछे पड़ गए हो। चंदा दो धंधा लो वाला काम इन्होंने कर दिया है। मोदी जी अब की बार नहीं आएंगे, क्योंकि अभी छोटे मोटे सब व्यापारी खत्म हो रहे हैं। जिस हिसाब से अभी मोदी जी जो आ रहे हैं, उस हिसाब से अभी व्यापारी आगे, अगर मोदी जी आ गए तो व्यापारी खत्म हो जाएंगे। छोटे मोटे जो धंधा वाले हैं वो सॉफ्ट हो रहे हैं, और मोदी जी ऊपर लेवल का काम करके बड़े राम भक्त बनते हैं। काफी लोगों को नौकरी से निकाला जा रहा है, क्योंकि बिजनेस ला नहीं पा रहे, जनरेट नहीं कर पा रहे, और ना ही बिजनेस जनरेट नहीं होगा तो कैसे देंगे।